एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फूड एवरी टाइम। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है। आज हम बनाएंगे मैंगो जूस। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए मैंगो जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे और इसमें डालेंगे क्यूब्स में कट किए हुए 2 मैंगोज। इन सबको ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब ठंडा दूध यानी कि चिल्ड मिल्क। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच इलायची पाउडर। इसके साथ ही डालेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। इसे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में ऐड करेंगे इसमें 4 आइस क्यूब्स। और अब हम इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मैंगो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब इसे हम एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इस टाइम अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें हम 1 ग्लास चिल्ड वाटर ऐड करेंगे और विस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो हमारा मैंगो जूस बनकर रेडी है। अब हम इस जूस को ग्लासेस में सर्व कर लेंगे। मैंगो जूस इजीली बनकर तैयार हो जाता है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर समर सीजन में एंजॉय करें। अब हम इसे गार्निश करेंगे चॉप किए हुए मैंगो से, साथ ही साथ गार्निश करेंगे सेफ्रॉन से। इससे हमारे जूस का बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर निकल कर आएगा। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। टेक केयर एंड बाय बाय।